सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार 7 लाख करोड़ का बजट पेश हो सकता है, साथ ही छात्रवृत्ति बढ़ाने का भी ऐलान हो सकता है। इसके अलावा संस्कृत के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा होने की संभावना है। बता दें कि योगी सरकार कल अपना बजट पेश करेगी। दरअसल सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। कानपुर की घटना पर विपक्ष आज फिर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। बता दें यूपी बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी विपक्ष द्वारा हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। कल योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। बता दें आज फिर हाई वोल्टेज ड्रामा होने की संभावना जताई जा रही है। यूपी बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। बता दें बजट में वित्तीय बढ़ाने का भी ऐलान हो सकता है। इसके अलावा संस्कृत के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें 7 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। बता दें कल योगी सरकार सुबह 11 बजे अपना बजट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। बता दें कल बजट सत्र का पहला दिन था जिसमें विपक्ष द्वारा जमकर हंगामा किया गया। सरकार को कई अहम मुद्दों को पर घेरा गया। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, आज भी विपक्ष द्वारा हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, क्या कुछ खास हो सकता है आज के बजट सत्र में? देखिए मौरी, कल से उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का पहला दिन था और पहला दिन ही काफी हंगामेदार रहा था। अगर बात की जाए तो सदन पर जो विपक्षी पार्टियां थी वो लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठी थी। फिर हमने मीडिया कर्मी और मार्शल के बीच एक धक्का मुक्की भी देखी और लगातार राज्यपाल के अभिभाषण के बीच जो है वो विपक्ष लगातार नारे लगा रहा था। राज्यपाल गो बैक के नारे लगा रहा था और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की और जिस प्रकार से अमर्यादित चीजें कल हुई उसको लेकर काफी हंगामेदार रहा था पहला दिन बजट सत्र का। और अगर बात की जाए तो आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन की कार्रवाई की अगर हम बात की जाए तो विधानसभा पर सुरक्षा को लेकर पूरी पुलिस बल तैनात की गई है। अपना दल के पूर्व विधायक जो थे स्वर्गीय राहुल प्रकाश कौल के निधन पर आज एक शोक प्रस्ताव पारित करके सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा और आज कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अपना दल के जो पूर्व विधायक है राहुल कौल, उनके निधन के नाते जो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा एक शोक प्रस्ताव पारित करके। इसके बाद 22 फरवरी को जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट पेश करेंगे। बजट का आकार लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का होगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए तो बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों से लेकर बड़ी परियोजनाओं को किस प्रकार से पूरा किया जाए, किस प्रकार से आम घोषणाएं की जा सकती है, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। 22 फरवरी से ही सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर 3 दिन की चर्चा होगी। इसके बाद 4 दिन बजट पर चर्चा होगी और 6 मई तक सदन आहूत कर दिया जाएगा। फिर 7, 8 और 9 तारीख को होली का अवकाश होगा और आज के दिन की बात करें तो शोक प्रस्ताव पारित करके सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है, क्योंकि अपना दल के जो पूर्व विधायक है राहुल जैन, उनके निधन के नाते शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और सदन की कार्रवाई को आज स्थगित कर दिया जाएगा। अगले दिन जो है यानी 22 फरवरी को सदन की कार्रवाई पहले की तरह ही पूर्ववत चालू रहेगी और सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री है वो बजट पर चर्चा करेंगे और 7 लाख करोड़ का ये बजट होगा। विवेक, अगर देखें तो कल बजट का पहला दिन था और समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा काटा था, आज दूसरा दिन है, आज समाजवादी पार्टी का क्या कुछ हो सकता है? देखिए कल की अगर बात की जाए तो कल काफी हंगामेदार दिन साबित हुआ था बजट सत्र का और अगर बात की जाए विधानसभा से लेकर अंदर से बाहर तक काफी ज्यादा वो हंगामेदार था, क्योंकि सदन से बाहर भी लगातार सपा के विधायक धरने में बैठे थे। अगर बात की जाए अंदर की तो राज्यपाल गोबैक किनारे लगा रहे थे, तमाम तरह की चीजें भी हुई, राज्यपाल ने उसी हंगामे के बीच अभिभाषण भी दिया और लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन सपा का कई मुद्दे पे लेकर था। वहीं आरएलडी ने किसानों की बात से
हंगामा किया, कई बैनर पोस्टर अंदर ले गए, समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना का ही मुद्दा उठाया था, तमाम मुद्दों पर लेकर समाजवादी पार्टी ने कल एक प्रदर्शन किया था सदन के बाहर और अंदर, और आज अगर बात की जाए तो आज कार्रवाई स्थगित कर जाएगी 100 प्रस्ताव पारित करके, और कल 22 फरवरी को पुनर्जन जो है ये बजट सत्र चलेगा और तमाम तरह की चीजें जो है वो कल से सुचारू रूप से चल पाएंगे। मयूरी विवेक, अगर देखें तो कल जोरदार हंगामा हुआ था, तमाम बवाल हुए थे, पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई थी, अगर सुरक्षा की बात करें तो उसके कैसे इंतजाम आज किए गए हैं? देखिए कल भी भारी पुलिस बल तैनात था विधानसभा के बाहर, अगर देखा जाए तो पीएससी की कई टुकड़ी वहां पे तैनात थी, और आज भी जो है वो अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है विधानसभा के बाहर, पीएससी की भी टुकड़ी की तैनाती की गई है, और किसी प्रकार की अनहोनी कल जैसी ना हो, कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और अतिरिक्त पुलिस बल की टुकड़ी भी तैनात की गई है। मयूरी, विवेक, योगी सरकार कल अपना बजट पेश करेगी, जानकारी के मुताबिक इस बार 7 लाख करोड़ का बजट पेश हो सकता है, तो इस बजट में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए कल की अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो है बजट पेश करेंगे और लगभग इस बजट का आकार 7 लाख करोड़ का होगा और वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए बजट होगा, उसके बाद आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 है उसके मद्देनजर रखते हुए महिलाओं, किसानों, युवाओं के लिए कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा भी की जाती है, ऐसी भी अनुमान लगाई जा रही है, तमाम तरह की चीजें क्योंकि आने वाले समय में 2024 में चुनाव होने हैं, 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने 7 लाख करोड़ के इस बजट में सारी चीजों का ध्यान रखेगी कि किस प्रकार से इस नए मुद्दे को भी साधना है और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी तैयारी करनी है। अगर बात की जाए तो 22 फरवरी से ये कार्रवाई जो है वो सदन की कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी और कल से जो है वो बजट सत्र सुरेश खन्ना 7 लाख करोड़ का बजट सत्र पढ़ेंगे, तमाम तरह की परियोजनाओं की बात करेंगे, तमाम तरह की परियोजनाओं पर चर्चा हो सकती है और इसमें जो है विपक्ष जो भी अपनी बात को अपने मुद्दों को उठाएगा, सरकार से सवाल जवाब करेगा, इस तरह की स्थिति भी देखी जा सकती है। फिलहाल आज जो है वो अशोक प्रस्ताव पारित करने के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाएगा, कल जैसे हंगामेदार दिन था तो उसको देख के कई प्रकार की चीजें भी की गई है, पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, तमाम तरह की चीजें हैं, और इसके बाद अगर बात की जाए तो राज्यपाल के अभिभाषण 3 दिन तक चलेंगे, इसके बाद 4 दिन पर बजट पर चर्चा होगी, सरकार अपने बजट को रखेगी, अपनी योजनाओं को रखेगी, अपनी जो असफलताएं हैं उसको दिखाएगी और समाजवादी पार्टी सरकार से सवाल जवाब करेगी, तमाम मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है, इस पर भी बात की जाएगी। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में जीएसटी ने एक बड़ी फैक्ट्री में छापेमारी की, तकरीबन 7 घंटे से जीएसटी की छापेमारी जारी है, जीएसटी की टीमों को जीएसटी चोरी की शिकायत मिली थी जिसके बाद कई टीमों ने छापा मारा है। दरअसल लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में स्थित यूपीएएल फैक्ट्री सीमेंट की चादरों का निर्माण करती है, यूपीएएल में रोजाना लाखों का टर्नओवर होता है, यूपीएएल फैक्ट्री में बनी चादरों को प्रदेश ही नहीं देश के कई हिस्सों में बेचा जाता है। यूपीएएल फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की शिकायत मिलने के बाद कई टीमों ने छापा मारा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, लखनऊ के मोहनलालगंज में यूपीएएल फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी की शिकायत मिलने के बाद छापेमारी की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी देखिए, आपको बता दूं कि छापेमारी कल दोपहर में स्टार्ट हुई थी, मोहनलालगंज थाना क्षेत्र है, यहाँ पर उपल फैक्ट्री है, यहाँ पर सीमेंट की चादरें बनती है और यही नहीं कि है, सीमेंट की चादरें केवल लखनऊ में सप्लाई होती हैं, देश के बड़े महानगरों पर भी सप्लाई होती है। कई दिनों से जीएसटी की टीम को यहाँ पर शिकायतें मिल रही थी क्योंकि लाखों का टर्नओवर है एक दिन का और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ट्रक आते हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से, तो यहाँ पर जो सीमेंट की सप्लाई है वो रेगुलर हो रही थी और उसके बावजूद भी जीएसटी की जो चोरी है वहाँ पर लगातार सुनवाई सुनने को मिल रही थी टीम को। इस दौरान टीम ने दोपहर में छापा मारा, 7 टीमों ने छापा मारा, छापे
बारी के दौरान पूरे फैक्ट्री को सील कर दिया गया था, बाहर सुरक्षा गार्डों की तैनाती कर दी गई थी और जीएसटी की टीम अपने अंदर कार्रवाई कर रही थी। जीएसटी की टीम ने वहां पर कुछ कागजात भी जब्त किए क्योंकि करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि लाखों का टर्नओवर है एक दिन का, तो मान के चलिए महीने भर की बात है और ये महीने भर की दो तीन महीने से शिकायत आ रही थी। और लखनऊ में बहुत बड़ी कार्रवाई इससे पहले भी जीएसटी की देखी गई है, जीएसटी हो चाहे सेल्स टैक्स हो चाहे तमाम जो चीज़ें हैं वो उन्होंने छापेमारी की है और जो भी जीएसटी चोरी को लेकर जो व्यापारी हैं और जो लोग हैं जिन जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं उसके ऊपर उचित कार्रवाई करके उन्हें कुछ लोगों के खिलाफ बहुत कड़ी सख्त कार्रवाई की है। और देखने वाली बात यह है कि जो उपल फैक्ट्री में यहाँ पर जो कागजात जब्त किए गए हैं जीएसटी में, उसके बिहार पर जीएसटी क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि बहुत बड़ी फैक्ट्री है और बहुत बड़ी ही फैक्ट्री है, क्योंकि यहाँ से देश में तमाम जो जिलों हैं वहाँ पर प्रांत लगातार सप्लाई होती है। और देखना ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि जीएसटी ने चोरी पकड़ी तो है और अब कितने की चोरी पकड़ी है, लाखों में चोरी है कि करोड़ों की चोरी है। जी सागर, जो जीएसटी की टीमों द्वारा ये छापेमारी की गई है, अभी तक क्या सामने आया, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है, क्या ये छापेमारी अभी भी जारी है? जी देखिए, ये कुल मिला के बता दूं कि ऑफिशियल छापेमारी होती है, इसमें मीडिया का कोई भी एंट्री बैन होती है पूरी तरह से। ये जीएसटी की टीम है और जो तमाम जो एनआईए होती है ये अपनी अंदर ही छापेमारी करती है, अपने इर्द गिर्द एरिया में ही छापेमारी करती है, उस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। कल तकरीबन 7 से 8 घंटे छापेमारी चली है और दोपहर में ये घटना हुई है, उसके बाद शाम को जीएसटी की टीम वहाँ से निकली है और 7 टीमें लगातार निकली है, उसके बाद उन्होंने कागजात जब्त किया। फिलहाल अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है कि कितने की टैक्स चोरी हुई और कौन कौन इसके ऊपर जिम्मेदार हैं, क्या उपल फैक्ट्री के ऊपर उचित कार्रवाई करती है जीएसटी, या फिर कुछ जो पहले भी ऐसे मामले देखे गए उनमें मामले को दफा करके जीएसटी उन पर जुर्माना लगाती है। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।